अब मज़ा इसका नहीं ले सकते बैन होने के एक दिन पहले यह गेम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था जिसके बाद यूजर्स काफ़ी परेशान थे वही अब पुष्टि हो गई है कि यह गेम भारत में बैन हो गया है हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है भारत सरकार ने बीते दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कुल चौवन ऐप्स को बैन किया है बताया गया है कि इन ऐप्स का चीनी कनेक्शन है और ये देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं इन्हें आईटी एक्ट के सेक्शन 69 ए के तहत बैन किया गया है इनमें से एक ऐप गरीना फ्री फायर भी है अगर आपको नहीं पता कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69 ए क्या है तो आप इसे गूगल पर जाकर सर्च कर सकते और देख सकते हैं भारत सरकार ने बीते सोमवार यानी 14 फरवरी को पॉपुलर बैटल रॉयल गेम गरीना फ्री फायर समेत चौवन ऐप्स को बैन किया है इन ऐप्स को सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बैन किया गया है फ्री फायर के अलावा इस लिस्ट में कोई बहुत पॉपुलर ऐप शामिल नहीं है इस लिस्ट में ज़्यादातर वो ऐप्स है जिनका चीन से कोई ना कोई कनेक्शन है ऐसे में ये सवाल हो सकता है कि फ्री फायर को क्यों बैन किया गया है हालांकि गरीना इंटरनेशनल का ही फ्री फायर मैक्स अभी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है भारत सरकार ने 2020 में कई ऐप्स और गेम्स को बैन किया था इसमें टिकटॉक पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल थे पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट के बैन होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ्री फायर को मिला था लेकिन अब ये भी भारत में बैन हो गया है सरकार ने बताया है कि हाल में ऐप्स को यूजर्स के सेंसिटिव डेटा और विभिन्न गंभीर परमिशन मांगने के कारण बैन किया गया है यह ऐप्स यूजर्स का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उन्हें दूसरे देशों में मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे लिस्ट में शामिल कुछ ऐप्स सर्विलांस एक्टिविटी भी कर रहे थे वह माइक कैमरा जीपीएस की मदद से यूजर्स का डाटा इकट्ठा कर रहे थे फ्री फायर का दावा है कि वह सिंगापुर बेस्ड कंपनी है इसके बाद बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने इसे फिर क्यों बैन किया है हालांकि इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं है क्योंकि सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया है रिपोर्ट्स की माने तो फ्री फायर के बैन होने के पीछे भी केंसेंट ही है जिसकी ग्रीणा में एट्टीन पॉइंट सेवन फीसदी हिस्सेदारी है यानी ये सीधे तौर पर चाइनीज नहीं है लेकिन अभी तक कंपनी की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि उनका नाम बैन वाली लिस्ट में क्यों शामिल है ध्यान रहे कि PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट को जब बैन किया गया था तो उनका संबंध टेंशन से था बाद में इस गेम में कुछ बदलाव के साथ क्राफ्टर ने बी के नाम से लॉन्च किया जो अभी भी भारत में चल रहा है गरीना की पेरेंट कंपनी सी लिमिटेड है जिसके फाउंडर फॉरेस्ट ली है इनका जन्म चीन में हुआ लेकिन अब वह सिंगापुर के नागरिक है कंपनी का कहना है कि उनका चीन से कोई संबंध नहीं है आइए हाँ देखते हैं कि इस पर कंपनी ने क्या कहा है गरीना फ्री फायर के प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक गेम अपने यूजर्स का डेटा भारत या सिंगापुर स्थित सर्वर पर स्टोर करती है और किसी दूसरे देश में शेयर नहीं करती कंपनी का कहना है कि वह किसी भी यूजर का डेटा दूसरे देश में न तो ट्रांसफ़र करती है और न ही उसकी प्रोसेसिंग करते हैं रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने कहा है कि वो भारत के नियम और कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है वे भारतीय यूजर्स का डेटा चीन में स्टोर नहीं करते हैं बैन के बाद से ग्रेना फ्री फायर और इसके एनहेंस्ड वर्जन ग्रेना फ्री फायर मैक्स को एप्पल स्टोर से हटा लिया गया है हालांकि मैक्स वर्जन अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है जल्द ही इसके सर्वर को बंद किया जाने की उम्मीद है लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि गरीना फ्री फायर का डिस्ट्रीब्यूटर गरीना इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट में यह दावा किया गया है कि यह कंपनी सिंगापुर बेस्ड है सरकार पहले भी चाइनीज ऐप्स बैन कर उनके सर्वर बंद करवा चुकी है फ्री फायर गेम की लत प्लेयर्स और पेरेंट्स को दोनों को भारी पड़ चुकी है बीते साल मध्य प्रदेश में एक तेरह साल के बच्चे ने इस गेम को एडवांस तरीके से खेलने के लिए चालीस हज़ार रुपये गंवा दिए थे इस बात को लेकर जब घर वालों की डांट पड़ी तो बच्चे ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया इसी तरह छत्तीसगढ़ के एक बच्चे ने तीन लाख बाईस हज़ार रुपये के वीपेंस इस गेम को खेलते हुए खरीद लिए थे इतना ही नहीं आगरा के एक बच्चे ने इस गेम के लिए ग्यारह लाख रुपये उड़ा दिए थे तो अब आप लोग बताइए कि ये सरकार ने क्या इसे बैन करके ठीक किया है या गलत और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे और कॉमेंट करे थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड शेयर ऑन इट एंड सब्सक्राइब द चैनल